सोनकक्ष के विधायक व पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने हाल ही में अपने विधानसभा क्षेत्र की एक कथा में शामिल होकर कहा था कि धर्म की भी दुकान खुल गई है। पहले छोटी दुकान रहती थी, लेकिन अब धर्म का जनरल स्टोर खुल गया है। उनके इसी बयान को लेकर बीजेपी ने विरोध जताते हुए विधायक का पुतला फूंका। इस बयान के सामने आने के बाद विधायक वर्मा का जमकर विरोध हो रहा है। आष्टा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय ने कार्यकर्ताओं के साथ सिद्दीकगंज पहुंचकर पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक रघुनाथ सिंह ने कहा कि ये लोग धर्म विरोधी, राम विरोधी और हनुमान जी विरोधी हैं, जो हमारे धर्म गुरु और कथावाचकों पर इस प्रकार से हमले करते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। इन लोगों को हिंदू धर्म से सीखने की आवश्यकता है। ये धर्म विरोधी, राम विरोधी, हनुमान जी विरोधी ऐसे व्यक्ति का पुतला दहन किया है, क्योंकि जो हमारे धर्मगुरु पर, हमारे कथावाचकों पर इस प्रकार की टिप्पणियां करना ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भाई सज्जन वर्मा से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें हिंदुओं से नफरत है, तुम्हें भगवान से नफरत है, या तुम्हें हमारे कथावाचकों से नफरत है, तो तुम्हें अभी बहुत सीखने की जरूरत है और अभी बहुत समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।